घने कोहरे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 3 घंटे तक लगा रहा जाम। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर घने कोहरे और धुंध के कारण करीब 3 घंटे तक जाम लगा रहा। इस दौरान यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वाहन चालकों ने बताया कि सुबह सुबह इतना अत्यधिक घना कोहरा था कि 10 फीट आगे भी नहीं दिख रहा था, जिसके कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और देखते ही देखते भयानक जाम लग गया। दोपहर 12 बजे तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूर्ववत हो गई थी। जाम के दौरान रंगरा पुलिस रंगरा चौक और कुमादपुर चौक पर जाम हटाने का प्रयास कर रही थी। मास्क चेकिंग अभियान में रंगरा पुलिस ने 6 लोगों से वसूला 300 रुपये जुर्माना। रंगरा ओपी थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष महताब खां के नेतृत्व में चलाए गए मास्क चेकिंग अभियान में कुल 6 लोगों से 300 रुपये जुर्माने की राशि वसूल की गई है। थानाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि जब तक 100% वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, इसलिए प्रत्येक लोगों को मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। सधुआ चापर गांव में भूमि विवाद में मारपीट, महिला घायल। सधुआ चापर गांव में जमीन विवाद के कारण हुई मारपीट में बहादुर यादव की पत्नी रीना देवी घायल हो गई है। रीना देवी का इलाज रंगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में करवाया गया है। घटना की बाबत रीना देवी ने अपने भैसूर और देवर पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए रंगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए आवेदन दिया है। रीना देवी का कहना है कि पिछले दिनों जमीन विवाद के मामले में गांव में पंचायती और जमीन की मापी हुई थी। मापी के बाद कुछ कागजात भी तैयार किए गए थे, वही कागजात मांगने पर उसके साथ मारपीट की गई। रंगरा पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। भवानीपुर गांव से 8 लीटर विदेशी शराब के साथ युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने 8 लीटर विदेशी शराब के साथ भवानीपुर निवासी सगारी यादव के पुत्र विकास यादव को देर रात गिरफ्तार कर लिया है। नवगछिया के SP सुशांत कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि रंगरा पुलिस ने वाहन जांच के क्रम में विकास के मोटरसाइकिल पर एक झोला देखा। जब झोले की तलाशी ली गई तो पुलिस ने 5 लीटर विदेशी शराब बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने विकास की निशानदेही पर उसके घर में छापेमारी कर विदेशी शराब की कुल 17 बोतलों को बरामद किया। कुल 8 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। पुलिस ने एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल और एक स्क्रीन टच मोबाइल भी जब्त कर लिया है। मामले की बाबत रंगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।